फ्रेंड्स, वेलकम टू खेमाज व्लॉग। सो मैं आ गई हूँ पठानकोट और आज मैं जा रही हूँ मार्केट थोड़ी शॉपिंग करने। तो देखते हैं इस व्लॉग में कि मैं क्या क्या लेने जा रही हूँ। तो हम शॉपिंग करने आए हैं, सुनील के लिए जैकेट लेने आए हैं और यहाँ पे हम पिछले 2 साल से आ रहे हैं इस शॉप पे, तो हम बहुत ट्रस्ट करते हैं इसलिए यहीं पे आते हैं हम हर बारी। आई पसंद? अच्छी है, फिटिंग भी अच्छी है इसकी। ये भी ट्राई कर रहे हैं, ढांगू रोड पे है ये शॉप। साहिल T20 ऑप्टिकल करके नाम है और बहुत ही अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज हमने लास्ट टाइम जैकेट ली थी जो बहुत ही बढ़िया निकले, ठंड बिल्कुल नहीं लगती। तो शॉपिंग डन, देखो हमने कितना बड़ा लिफाफा कर लिया, बहुत कुछ लिया इसमें, घर पे जाके दिखाऊंगी आपको। और ये हमारे भैया चले। ओके, तो ये है शॉप, ढांगू रोड पे है ये, तो ये रास्ता है, यहाँ से हम जा रहे हैं वापस, यहाँ से जा रहे हैं हम वापस। सो फ्रेंड्स, पहुंच गई हूँ घर पे शॉपिंग करके। तो सुनील ने अपने लिए लिए एक जैकेट और ट्रैक सूट, और एक लिए हमने मम्मी के लिए लिया जैकेट, अब पता नहीं उनको पसंद आती है कि नहीं आती है। तो ठंड बहुत ही मार्केट में सीरियसली, और ये देखो बालों का हाल जो हो गया घूम घूम के। तो देखते हैं मम्मा को, एक तो साइज भी पता नहीं उनको आएगा पूरा कि नहीं आएगा, और ऊपर से कलर का भी है थोड़ा, पता नहीं उन्हें पसंद आएगा कि नहीं। वैसे शॉपकीपर ने हमें बोला कि आप रिटर्न कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट अब देखते हैं कि क्या मम्मा को पसंद आता है, उनका रिएक्शन भी देखते हैं। ठीक है, पिंक वाला लिफाफा खुलने लगा है, सुनील खोलो। ये ट्रैक सूट एक मम्मा वाला दिखाओ आप, लड़कों का क्या है, वैसे जैकेट तो सिंपल ही होती है, क्या ही देखने। मम्मी मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, ऐसे ही हम कुछ नहीं लेते हैं, हम सिर्फ देखने जाते हैं देखने। कौन सी है? हाँ ये वाली है मम्मी की जैकेट। बाकी देखो मम्मा साइज देख लो, कलर पसंद है? पसंद आया? ठीक ठीक नहीं, कलर पसंद है ताई बोलो। साइज तो पूरा है मेरा, तो मम्मी थोड़ा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मेरा ज्यादा फर्क नहीं है थोड़ा, ये है कि फिटिंग का चक्कर है, नहीं तो मेनू भी पूरी आ जाती है मेरी पंजाबी एक ते माशाल्लाह डोगरी टोन बीच में। ठीक है, साइज पूरा ठीक है, ओके है, और इतना सोबर कलर है। हाँ इन्नी तो मम्मी चाहिए है, थोनू टोपी भी है और खुल भी सकती है। ठीक है, ओ बाकी फिर तो बहुत टाइट है, ये तो पूरा साइज पूरा आया मम्मा को, और पूरा आया हाँ। वैसे जरूरत तो है नहीं, ये है कि स्कूटी तक जाओगे तो ताम पा लो। चलो ठीक है, तो शॉपिंग जो है वो खत्म है, फाइनली मम्मा को पसंद भी आ गई जैकेट और चेंज कर लिया मैंने। अब मैं जा रही हूँ किचन में सुनील के लिए कॉफी बनाने के लिए, मार्केट से मैंने समोसे लाए हैं, गरम गर्मा गर्म लाए थे, लेकिन वो जैकेट वगैरह चेक करने के चक्कर में वो ठंडे हो गए हैं, बट कोई नहीं, गर्म करके फिर से चाय के साथ अब हम खाने वाले, मैं सुनील और अनिल भैया, उनके लिए स्पेशल लाया मैंने। तो चलती हूँ मैं किचन में चाय बना लेती हूँ। ये कॉफ़ी है, सुनील को कॉफ़ी चाहिए थी और अपने लिए चाय, देन समोसा, एक एक ही खाएंगे हम, और चटनी
बाकी अनिल भैया तो अपनी कराटे कोचिंग के लिए वो गए हुए हैं, शाम को थोड़ा बिजी रहते हैं, तो जब वो आएंगे वो खा लेंगे। मुझे लगा आप ना आधा बचा के रखोगे मेरे लिए समोसा, पूरा खा गए। इस टाइम भूख लग जाती है। हाँ उम्मीद नहीं थी वैसे आपसे, इससे कुछ हटते बट इससे समोसा, इनके शौक समोसा अच्छे होते हैं फ्रेश इसलिए हम खाते हैं। ही बनाते हैं। खाने का इस टाइम मन नहीं था क्योंकि थोड़ी देर बाद हम खाना खाएंगे और वो भी फेवरेट ही बन रहा है आज, इसलिए एक एक ही सोचा कि एक एक ही खा लेते हैं। जा रही हूँ किचन में, 6 बजे थे तब जब चाय पी थी, समोसे खाए थे, 8:30 हो गए हैं, तो आज खाने की मेरी टर्न है नहीं क्योंकि आज बनेगा टोडा जो मुझे बनाना नहीं आता है, मम्मी जी बनाएंगे, लेकिन मैं वैसे ही हेल्प के लिए जा रही हूँ, सर्व करूंगी खाना। और हाँ टोडा हम सबका बड़ा फेवरेट है, मेरा सिर्फ एक चीज के साथ फेवरेट है, वो है जो दही और मूली का जो अचार होता है उसके साथ मुझे पसंद है और वही बना है। तो बाकी कोई दूध के साथ खाने वाला है, कोई साग के साथ, सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो चलते हैं देखते हैं किचन में टोडा कैसे बन रहा है, यानी कि हाँ टोडे को हम क्या बोलते हैं, मक्की की रोटी। मम्मी जी रेडी हो टोडा बनाने के लिए? मक्की का आटा जिसका बनेगा टोडा, ये देखो इस तरह से बनता है टोडा। अब ये पकना है और करारा होना ये। पहले किसका नंबर लगाए? अच्छा सुनील जी आए हैं। गाइज अब हम खाना खा के यानी कि टोडा खा के हो गए हैं फ्री, सारा किचन का काम कर करके अब मैंने दूध ले लिया है और इसके बाद मैं सोने वाली हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।